नया नया शो आया है Amazon Prime पर, PI मीना या फिर कहें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मीनाक्षी। वैसे तो PI का पेशा इलीगल है इंडिया में, बट क्या पता आपके बगल में ही बाहर बोर्ड लगा हो बिल्डिंग पर टेलीकम्युनिकेशंस का और अंदर धंधा चल रहा हो PI का। रसोड़े में कौन था, आपकी गर्लफ्रेंड को कौन भगा कर ले गया, किसका चक्कर किससे चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कॉन्टैक्ट PI मीनाक्षी उर्फ मीना। ताजा ताजा शो है फिर भी लगता है थोड़ा पुराना। क्यों है पुराना? वेल, वीडियो को एंड तक देखना, मैं विदाउट एनी स्पॉयलर्स रिव्यू दूंगा शो PI मीना का। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस सीरीज में आपको लीड फीमेल का रोल करती दिखेंगी तान्या, जिनको आपने फ्लेम्स में देखा है। यू नो, प्यारी सी रोमांटिक सी लड़की अब फंस चुकी है एक मिस्ट्री क्राइम वाली दुनिया में, ऐसे दुनिया जो बहुत से क्वेश्चंस पूछेगी, ऐसी सिचुएशंस में लाकर खड़ा कर देगी जो शायद उनके पास से रिलेटेड है और इंडिया का फ्यूचर दांव पर लगा है। तो क्या इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मीना तैयार है? वेल, ऐसी ही स्टोरी है, बिना स्पॉयलर्स के बताऊंगा। जो PI मीना है वो नॉर्मल केसेस करती हैं लाइक बीवी पर नजर रखना एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एक दिन अचानक से उनको एक हिट एंड रन का केस मिल जाता है जो एनी अनदर केस जैसा लगता है, बट उस केस के अंदर है काफ़ी सारी लेयर्स जो शायद उनके कहीं ना कहीं पास्ट से भी कनेक्टेड है और इंडिया का फ्यूचर दांव पर लगा है क्योंकि शायद एक नया वायरस आ गया है। यस, वन मोर वायरस का तड़का एक स्टोरी के अंदर। दो जो वायरस है वो एज अ कैमियो एज अ सेकेंडरी रोल ही प्ले करता है मेन स्टोरी मिस्ट्री ड्रामा इन्वेस्टिगेशन वाले एंगल को, जो क्राइम हुआ है हिट एंड रन का उसको फॉलो करती है। फॉलो करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पुराना है, ये फास्ट पेस शो नहीं है, एकदम से आपके ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं फेंकेगा, ये अपनी स्टोरी को एस्टेब्लिश करने में टाइम लेगा, रुक रुक कर चलेगा। बट एक बात तो अच्छी है, जो कल्प्रेट है उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है इसके लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, बट जो 5 या 6 एपिसोड के बाद जो स्टोरी चलेगी वो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इंटरेस्टिंग भी थोड़ी है, आपको थोड़ा गेस वर्क करना पड़ेगा, ये हो सकता है वो हो सकता है, पर ये स्टार्टिंग से आपको नहीं मिलेगा, 5 या 6 एपिसोड्स के बाद ही मिलेगा। थोड़ा कुछ नया बनाने के लिए वायरस का तड़का डाल दिया गया है जिसको ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं गया है सीजन 1 में। आई फील ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था, बट आई गेस वो सीजन 2 के लिए उन्होंने छोड़ दिया है वायरस सारा का सारा। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई थी काला पानी, जो मैं पर्सनली कहूँगा इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये बेकार नहीं है बट मैं कहूँगा इट्स जस्ट एवरेज, टाइम पास के लिए देख सकते हो। अगर ये जॉनर आपको पसंद आता है तो आपका टाइम पास तो हो ही जाएगा। 8 एपिसोड्स है सीरीज में और कोलकाता की स्टोरी फॉलो करती है, ये तो ऑथेंटिक दिखाने के लिए बंगाली इंग्लिश भी डालनी पड़ती है। ऑफकोर्स जिसको नहीं आती तो सबटाइटल्स देखना पड़ेगा, स्क्रीन से फोकस नहीं हटा सकते क्योंकि काफ़ी सारा पार्ट इंग्लिश बंगाली में भी है। अलविदा।